वो औरत रोज उस नौजवान को देखती थी, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसको अपना दिल दे बैठी थी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह उस पर नजरे इल्तफात डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन, सर झुकाए, जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहां से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और ऐसा उसे सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी, खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो उसकी तरफ माइल ना हो, उसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल सी हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक तरीकाकार समझा ही दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी आपकी मालकन को मुझसे क्या काम है। उस औरत ने कहा, बेटा उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी आपने कौन सा मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप सा गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी अल्लाह से डर, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो। उस औरत को बहुत समझाया उसने, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और मुझ पर हमला किया। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनाहगार होता, ना मानता तो लोगों की नजर में बुरा बनता। वो इलाका जहां लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां पर उस पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए ये उसे गवारा ना था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला का रास्ता बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। उस औरत ने उसे देखते ही चिल्ला कर कहा, ये तुमने क्या किया जालिम,
मुझ जैसी नफीस तबीयत रखने वाली औरत के सामने इस गंदी हालत में आ गए, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया, अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा, आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म में खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू गई नहीं और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो फिर खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ये खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी अब और शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और इसके बाद उसने वो सारा वाक्या अपने उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी, और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू में तब्दील कर दिया जो कि इस दुनिया की लगती ही नहीं। कहते हैं कि उस नौजवान के उन कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। ये वाक्या बिल्कुल सच्चा है और एक आलिमे दीन ने अपने बयान में सुनाया था। उन्होंने जगह और मदरसे का नाम भी बताया था, लेकिन वो किसी वजह से यहाँ बयान नहीं किया जा रहा। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके उसकी मदद तलब करें तो वह हमें कहीं शर्मिंदा नहीं होने देता। बस तवक्कल फी अल्लाह होना चाहिए, ना कि किसी और ज़ात पर। जज़ाकल्लाह।